इंदौर में होने वाले नगरीय व ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मियां बढ़ी। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने गांधी भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश के साथ वोटर लिस्ट की एक सीडी भी दी गई है। इंदौर में कांग्रेस चुनावी माहौल को देखते हुए एक बार फिर से मैदान पकड़ने में लगी हुई है। इसी कड़ी में कांग्रेस के विधायक सज्जन सिंह वर्मा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल सहित तमाम पदाधिकारियों के नेतृत्व में गांधी भवन में बैठक का आयोजन किया गया। चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक समाप्त होने पर कांग्रेसी विधायक सज्जन सिंह वर्मा का कहना था कि बीजेपी हमेशा फेक वोटरों के कारण जीत जाती है और इसी फेक वोटरों को रोकने के लिए हमने सभी कार्यकर्ताओं को एक सीडी दी है, जिसमें उस वार्ड की पूरी वोटर लिस्ट रहेगी और तमाम जानकारियां भी रहेंगी, जिससे कि कार्यकर्ताओं को वार्ड में मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। एक वार्ड में करीबन 4 से 5 लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उन सभी 5 को हमने वार्ड के अलग अलग हिस्से में अपनी जिम्मेदारियां सौंप दी हैं, ताकि कांग्रेस हर वार्ड में हर घर तक पहुंच सके और अपनी नीति के बारे में लोगों को जानकारियां दे, ताकि बीजेपी को हराया जा सके। आज हमारे तमाम सारे वो कार्यकर्ता जो आने वाले नगर निगम के चुनाव में वार्ड के प्रत्याशी बनने की इच्छा रखते हैं, कि वार्ड में कहीं 4 कहीं 6 कहीं 8 ऐसे उम्मीदवार थे, आज उन सबकी बैठक हमने और किस तरह से कांग्रेस को मजबूत करते हुए चुनाव प्रबंधन करना है, ABCD। हालांकि हर कार्यकर्ता जानता बूथ पे बैठता हमारा कार्यकर्ता, लेकिन किस समय पे कौन सा कदम उठा के हम चुनाव में विजयश्री प्राप्त कर सकते हैं। हमारे कई पिछले चुनाव में कोई 200 वोट से, कोई 400, कोई 500 वोट से ऐसे तमाम सारे नाम हैं जो हारे थे चुनाव, और इसकी वजह ये होती है कि भारतीय जनता पार्टी फेक वोटर बनाने में माहिर है। मैं खुद, मेरी विधानसभा में 1000 वोट सोनगंज में मैंने कटवाए थे, जो बीजेपी ने फर्जी वोट बना दिए थे, एक एक मतदाता कर हम 4-4, 5-5 गाँवों में, तो वो ट्रेनिंग आवश्यक थी हमारे कार्यकर्ताओं को कि हम आधा चुनाव यदि ईमानदारी से मेहनत कर ले वार्ड की गलियों में, तो ये चुनाव हम जीत सकते हैं और बीजेपी को परास्त कर सकते हैं। बीजेपी अपने झूठ के बल पे जीतती है, अपने छद्म कामों से जीतती है, इस तरह के फेक वोटर बना के जीतती है। और इसके साथ साथ मैंने कहा, जब आप गलियों में निकलोगे, मान लो एक वार्ड में 5 उम्मीदवार टिकट मांग रहे हैं, तो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के नेतृत्व में हर वार्ड में एक प्रभारी बना रहे हैं कि यदि 5 उम्मीदवार हैं तो एक वार्ड को 5 जोन में बांट के उनको अलग अलग हिस्से दे दिए जाए कि आप इस इलाके में अपनी कल चूँकि मतदाता सूची आ रही है, आज हमने सीडी दी है हमारे हर उम्मीदवार को, मतदाता सूची की सीडी, ताकि उनको काम में सहूलियत हो जाए और ईमानदारी से जाके, क्योंकि पिछले बार का अनुभव है, कलेक्टर इंदौर ने शपथ पत्र दिया था, हमने 85,000 वोट कम समय में फेक वोटर पकड़े थे इंदौर में, 85,000 थे तो 2 लाख के ऊपर, पर 85,000 फेक वोटर पकड़े थे, जिसका शपथ पत्र भी कलेक्टर से हमने दिलवाया था। तो वो नाम, अभी हमको ये खबर लगी है कि वो नाम सारे इन्होंने इस मतदाता सूची में जो कल आ रही इसमें जोड़ दिए, तो सारी चेकिंग करके एक सही वोटर लिस्ट बने, जिसके आधार पे चुनाव हो। तो आधा चुनाव तो यदि ईमानदारी से कार्यकर्ता यहाँ वार्ड में घुस के, गली में घुस के अपनी मतदाता सूची को परफेक्ट कर लेता है, तो आधा चुनाव तो उसको हम यहाँ जीता पाऊँ।